हेलो फ्रेंड्स, दस्तरखाने वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और इस गर्मी के मौसम को देखते हुए बनाने वाले हैं एक केक जिसका नाम है रू अफ़ज़ा ग्रेप्स केक। तो आप देखें मेरा पूरा वीडियो तो आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं बनाने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो अंडे ले लेंगे। ये दूसरा, और इसी में डालेंगे ये 150 ग्राम शुगर जो पिसी नहीं है, खड़ी है, और डालेंगे एक टेबल स्पून वेनिला एसेंस। ये देखें, एक टेबल स्पून। और अब इसे चलाएंगे। इसी में आप डालेंगे ये 100 ग्राम ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। और ये मिल्क 120 ग्राम ml मिल्क है, इसे भी चला लेंगे। तो ये हो गया है। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ये अंडा फिट गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 160 ग्राम मैदा है, हम इसे इसी में छान देंगे। और इसी में डालेंगे 10 ग्राम ये बेकिंग पाउडर है, 10 ग्राम है। और इसी में हमने एक टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया था पहले ही। अब ये सब हो गया है और डालेंगे दो चुटकी नमक। और अभी फिर से चलाएंगे इसे। ये हो गया है हमारा बैटर रेडी। कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए थी वैसी ही है। बटर पेपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और केक आसानी से निकल जाएगा। मोल्ड में डाल देते हैं। अब इसे रखेंगे हम ओवन में। ओवन को हमने प्रीहीट करने रख दिया है और इसे भी अब रख देते हैं। ये मैं टूथपिक से इस तरह से चला दे रही हूँ ताकि कोई एयर ना रहे। तो इसमें पूरी तरह से इस तरह से
अभी से रख देती हूँ ओवन में। ठीक है, ओके। ये व्हिप क्रीम है, कितना अच्छा से हो गया है, एकदम हमारी क्रीम रेडी हो गई है। ये देखें, थोड़ा डार्क हो गया है लेकिन ठीक है, ठंडा करके फिर इसे निकालेंगे। निकाल के देखते हैं, मैं एकदम बराबर ऐसे लेके जा रही हूँ। यस, निकल गया। तो स्पॉन्जी हुआ है, देखो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हुआ है। ऐसे कट गया। अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है ना। थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इस पे क्रीम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रूह अफ़ज़ा लिया है, शुगर सिरप की जगह आज मैं यही पानी में घोल के डालूंगी। ये बस 2 टेबल स्पून। ये देखें, मीठा होना चाहिए। तो मैं ये फटाफट सोख ले रहा है पानी, अच्छा सॉफ्ट हुआ है केक हमारा। हमने पूरा डाल दिया है और अब हम लगाएंगे क्रीम। बहुत ही स्पंजी हुआ है हमारा एक एक। इसके ऊपर क्रीम लगा दिए।
तो यहाँ पर हमारा केक जो है रेडी हो गया है, इसे डेकोरेट करते हैं। ग्रेप्स से हम सजा रहे हैं। तो हमारा केक रेडी है, अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फिर आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे फ्रिज से अभी निकाला है, तो इसे कट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अंदर का, देखिए कितना अच्छा ये फूला फूला सा बना है, बहुत ही सॉफ्ट। तो इसे काट के देखते हैं, अंगूर का पीस है ये, देखिए इस तरह से इसके पीसेस निकल रहे हैं, ये देखिए। तो ये हमारा केक रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।